नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत बीसलपुर का कोतवाली का एक मामला सामने आया है कि आज एक माह बीत जाने के बाद एक बेटी का पुलिस नहीं लगा पाई सुराग। जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं तुरंत पुलिस घटना का खुलासा कर दिया जाता है, मगर इस घटना को लगभग एक माह बीत जाने के बाद, क्योंकि अभयपुर गाँव अभयपुर सेना का एक मामला है कि एक लड़की एक माह पूर्व गायब हो गई थी, अपहरण हो गया था, मगर उसका पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर सकी है। पीड़ित दर पर भटक रहा है, अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। जानिए पूरी मामला डीके भारत न्यूज पर। पीलीभीत जनपद बीसलपुर के गांव अभयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, पीड़ित दर दर अधिकारियों के लगा रहा है चक्कर। एक माह बीत जाने के बाद उसकी बेटी का नहीं लगा पाई कोतवाली बीसलपुर पुलिस सुराग। दर दर भटक रहा है, मधुजुदूरी कर रहा है, उसकी कोई सुन रहा नहीं रहा है, चक्कर लगा रहा है, हो रहा है परेशान, नहीं ले रही है पुलिस शोध। सुनिए पीड़ित पिता की जुबानी। जी, आपका नाम क्या है? आपका ग्राम सभा? ग्राम सभा। अच्छा, क्या मामला हुआ? मामला जाकर हम लोग हमारी बहन को घर से उठा ला गए जबरदस्ती। कौन, कोई नाम क्या है? नाम है जगदीश और रवि। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने अपने प्रधान को दी? प्रधान को दी, प्रधान बोला था जी कि शाम तक तुम्हारी लड़की आ जाएगी जी। फिर उसको लिखित में आपने जो थाना इंचार्ज आपका है, जो भी आपका थाना लगता है, बीसलपुर लगता है, वहाँ आपने लिखित में कोई तहरीर दी? हाँ, तहरीर दी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की उस पर? पुलिस वालों ने ये कही कि यहाँ लड़की तुम्हारी आ जाएगी, और पहले कही थी कही आ रही है, पवन नगर आ गई, तुम्हारी लड़की अपनी ले जाओ साथ, हमें कुछ वो ऐसा भाई नहीं, हमें पुलिस वालों ने ढूंढने बैठाया, फोन से लड़की गायब हो गई थी जी। अब क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? अब ये पुलिस वाले ये कह रहे हैं कहीं तुम पता बताओ, हम वहाँ तुम्हारे संग चले। अच्छा, आपकी बेटी की उम्र क्या है? हमारा 17 साल। 17 साल। अच्छा, पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, और सारा काम का जो है वो अपना घर का ही करती है? अपने घर का काम करती थी। अच्छा, इससे पहले और कोई कभी कोई उसका अफेयर रहा? नहीं, ना कोई नहीं अफेयर रहा। अच्छा, आपको अपने थाना इंचार्ज से क्या चाहिए और क्या क्या आपको शिकायत है? हमें शिकायत जो है हमारी लड़की मिल जाए, और कुछ शिकायत नहीं है जी। लड़की बरामद हो जानी चाहिए। हाँ, लड़की बरामद होनी चाहिए। इस प्रकरण को कितने दिन समय हो गया है? समय हो गया एक महीना एक दिन। एक महीना एक दिन। और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? कोई सुराग नहीं मिला है। अच्छा, और इंचार्ज साहब वो क्या कहते हैं? आप वो ये कहते हैं उनके पास जाते हैं, कहीं पता लगाओ तो हम चलो तुम्हारे साथ चले। बताओ कि यहां कौन है, तो हमारा। अच्छा, तुझे कैसे ढूंढ लेंगे बेचारे मजदूर आदमी ने, उनकी बैठिया दिखाना मांगने। आपके पिताजी का नाम क्या है? लाल बहादुर। लाल बहादुर। आपका शुभ नाम? छदनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में एक अपहरण का मामला है, जानिए हमारे संवाददाता महेश पाल की रिपोर्ट। नमस्कार, बेटी के अपहरण का प्रकरण, पुलिस डाले कानों में तेल। आपको बताना है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत अभयपुर चेना नगटी मूल रूप से निवासी है। दिनांक 20/3/2022 को सुबह घर से बाहर शौच करने के लिए बेटी घर से बाहर शौच के लिए गई थी, लेकिन आज तक वह घर वापस नहीं लौटी है, जबकि पिछले कई दिनों से लगातार बेटी को अपने नाते रिश्तेदारी और लग में ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, अभी नाबालिग है। पिता के अनुसार उस नहीं की गई थी, लाड़ प्यार से पाला गया था। पिता को शक है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बीसलपुर कोतवाली में भी दी, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि गाली गलौज कर कोतवाली भगा देता है, साथ ही बिगाते हैं। नामजद तहरीर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नंबर 1 जगदीश पुत्र शिवम, नंबर 2 रविदास पुत्र नामालूम, नंबर 3 रवि प्रियासु ने बहला फुसला कर अपने साथ घर से साथ ही घर में रखे 5,000 भी रुपए साथ ले गई है।
प्रार्थी मेहनत मजदूरी करता है। इस वारदात को एक महीना पाँच दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक बेटी का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस अधिकारी से पूछताछ करते हैं तो प्रार्थी से कहते हैं कि आपको पता हो तो बता दीजिए, हम वहीं पकड़ने चले जाएंगे।